हरे कृष्णा। ह्यूमन बींग्स में चार तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। पहला, एक तो वो उसमें प्रोपेंसिटी ऑफ चीटिंग है। सेकंड, ही इज प्रोन टू बी इल्यूजन्ड, इल्यूजन में रह सकता है इंसान, भ्रमित हो सकता है। थर्ड, टू कमिट मिस्टेक्स, आदमी मिस्टेक्स कमिट करता है, टू एन इज ह्यूमन वी नो। एंड फोर्थ वन is that human has imperfect senses, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, imperfect हैं। अगर हम propensity of cheating की बात करें तो हमें मालूम है कि हमें experience है कि लोग इस संसार में cheating करते हैं, जैसे कि Big Bang Theory एक cheating है, Darwin Theory evolution एक cheating है, Moon and Mars Mission एक cheating है। इसी तरह से बहुत सारी cheating social level पे, family levels पे होती रहती हैं। और चीटिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इस समाज में कि ये सोसाइटी एक चीटर्स और चीटेड की सोसाइटी बन चुकी है। इल्यूजन, इल्यूजन हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, हमें इल्यूजन होता है। जैसे कि एक ग्लास में अगर एक हमने कुछ पेंसिल डाली हो, या पेन डाला हो, जिसमें ग्लास में कांच का हो और पानी हो उसमें, तो हमें वो पेंसिल बेंट हुई दिखती है। तो वो बेंट नहीं हुई है लेकिन इल्यूजन से हमें दिख रही है वैसे। इसी तरह से अगर कमिट मिस्टेक्स की बात करें तो हमें मालूम है कि हम अपने लाइफ में मिस्टेक्स कमिट करते हैं, कुछ डिसीजंस में मिस्टेक कमिट करते हैं। और फोर्थ वन जो हमने बताया, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी आईज डार्कनेस में नहीं देख सकती, हमारे जो ईयर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में ही सुन सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर नहीं सुन सकते। इस तरह से बहुत सी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। तो ये चार जो हमने डिफेक्ट्स बताए ये ह्यूमन बीइंग्स में हैं। तो ये चार डिफेक्ट्स से हम परफेक्ट नॉलेज कैसे ले सकते हैं, जब हम में इतनी इम्परफेक्टनेस है ह्यूमन बीइंग्स में, तो हम परफेक्ट नॉलेज कैसे ले सकते हैं। अगर आप कहें कि साइंस तो परफेक्ट नॉलेज देती है, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि साइंस में भी हमने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल 1800 की सदी में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई, उसमें यह बताया गया कि एटम डिविजिबल नहीं है। लेकिन जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की, हमें पता चला कि एटम भी डिविजिबल है, उसमें एटम्स, एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसी तरह से दूसरी उदाहरण ले तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, जो कि ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, तो पहले उसी को सब कुछ माना जाता था, उसी के अनुसार सब इक्वेशंस बनती थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस की और हम क्वांटम लेवल पे गए, तो हमें पता चला कि क्वांटम लेवल पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो जाती है, वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत है। तो इस तरह देखें कि साइंस की जो नॉलेज है, क्योंकि वो लिमिटेड सेंसेस से है, जो डिफेक्ट, जो ह्यूमन में जो चार डिफेक्ट हैं उनके थ्रू ये नॉलेज ली जा रही है, तो इसलिए ये नॉलेज इम्परफेक्ट है। तो और हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम इम्परफेक्ट नॉलेज से ये मैटर को नहीं समझ पा रहे ढंग से, हम मटेरियल चीजों को, मटेरियल सब्जेक्ट मैटर्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो एंटी मटेरियल साइंस है उनको कैसे समझ सकते हैं। परफेक्ट नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं, परफेक्ट नॉलेज हम परफेक्ट पर्सन से ले सकते हैं जो इन चारों डिफेक्ट से ऊपर है। और वो परफेक्ट पर्सन कौन है, वो परफेक्ट पर्सन परफेक्ट साइंटिस्ट है, जिसको हम गॉड कहते हैं। गॉड यानी कि कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान परफेक्ट पर्सन है जो इन चारों डिफेक्ट से ऊपर है, और परफेक्ट नॉलेज उनसे ही आ रही है। और 5000 साल पहले इस परफेक्ट नॉलेज को या परफेक्ट साइंस को एक साइंटिस्ट वेदव्यास जी ने बुक्स में जॉट डाउन कर दिया, और उन बुक्स को हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं। और उन सारे स्क्रिप्चर्स का जो निचोड़ है वो, यानी कि उस सारी साइंस का जो निचोड़ है वो भगवद गीता में दिया हुआ है। परफेक्ट नॉलेज लेने के लिए हमें परफेक्ट सोर्स के पास जाना पड़ेगा, परफेक्ट सोर्स से नॉलेज लेनी पड़ेगी, और परफेक्ट मेथड से नॉलेज लेनी पड़ेगी। जो सेंसेस से नॉलेज एक्वायर करने का मेथड है, जिस पे साइंस डिपेंडेंट है, वो इम्परफेक्ट मेथड है। अब आप कहेंगे कि हम स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी को क्यों माने, क्योंकि उसमें जो गॉड की साइंस दी हुई है, या सोल के बारे में बताया हुआ है, या सुपर सोल की साइंस दी हुई है, या रीइंकार्नेशन की साइंस दी है, उसके ऊपर फेथ कैसे रखा जाए, क्योंकि वो चीजें तो ऑब्जर्वेबल नहीं है। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि क्वार्क्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मीजोन्स क्या होते हैं। तो जो कॉमन
पीपल हैं, आम लोग इस पे चुप रहेंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन साइंस स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो कहेगा कि ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, साइंस ऐसा कहती है। तो यानी कि वहां पे साइंस की अथॉरिटी को पिक्चर में लाया जा रहा है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उस अथॉरिटी को मान रहे हैं। और अगर मान लीजिए कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, उसने क्वांटम रिलाम को समझना है, क्वांटम फिजिक्स को समझना है, तो उसको सबसे पहले ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि पहले मैं इन पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करूंगा फिर लर्न करूंगा, उसको पहले फेथ रखना पड़ेगा कि ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको किसी टीचर के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसकी फिर क्वालिफिकेशन डेवलप होगी, एंड देन वो 7-8 साल बाद कंप्रीहेंड कर सकेगा कि क्वांटम रिलाम क्या है, क्वांटम पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। तो अगर ये चीज वहां एप्लीकेबल है तो सेम चीज स्पिरिचुअल साइंस में या एंटीमटेरियल साइंस में भी एप्लीकेबल है। हमें पहले फेथ रखना पड़ेगा कि जो हम जो एंटीमटेरियल साइंस जो भगवद गीता में दी है वो परफेक्ट है, फिर हमें किसी टीचर के अंडर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो ट्रेनिंग लेते थे हमें क्वालिफिकेशन डेवलप होगी, और फिर हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंप्रीहेंड कर सकते हैं कि सोल, सुपर सोल, गॉड, ये सब चीजें या रीइंकार्नेशन ये एग्जिस्ट करती हैं। तो परफेक्ट नॉलेज को फिर हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रियलाइज कर सकते हैं। इस तरह से जब हम परफेक्ट साइंस, परफेक्ट नॉलेज जो भगवद गीता में दी हुई है उसको अंडरस्टैंड करेंगे परफेक्ट पर्सन से, परफेक्ट साइंटिस्ट से यानी कि कृष्ण या उनके प्रतिनिधि से, और जब हम परफेक्ट साइंस को परफेक्ट पर्सन से अंडरस्टैंड करेंगे तब हमारी लाइफ परफेक्ट होगी, पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश होगी, पूरे वर्ल्ड का बेनिफिट होगा, और कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।